नाम के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि देश की राजनीति में जो भूचाल आया है, वो भूचाल लाने वाली प्रियंका गांधी की सक्रियता के क्या क्या मायने हैं, उसके पीछे की कहानियां और क्या चल रही है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, देश की राजनीति में जो ये बड़ा बदलाव आया है उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी अपने पति रावण वाड्रा को मुकदमों से बचाने के लिए राजनीति में सक्रिय हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरीके से राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरा था, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अब तो ये कहा जा रहा था कि उन तक पहुंचने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को काफी सबूत मिलते जा रहे हैं। जो शिकायतें हुई हैं उनकी जांच भी अंतिम दौर में चल रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक रावण वाड्रा के मामले में साफ तौर पर कुछ नहीं बता पाई। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनेताओं के मामले होते हैं, तो उनमें कोई न कोई ऐसी बात छिपी होती है जो हमें पता नहीं चलती। मतदाता को तो कभी कुछ पता चलता ही नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि अचानक प्रियंका गांधी राजनीति में सिर्फ अपने भाई राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आई है, या कांग्रेस की इज्जत बचाने के लिए आई है, या अंदर खाने की जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार वो अपने पति रावण वाड्रा के हितों की रक्षा करने के लिए राजनीति में सक्रिय हुई है। जी हाँ, जरा हम गौर करते हैं उस मामले पर जिस मामले में रावण वाड्रा का नाम लगातार आ रहा था। पहला मामला है गुड़गांव दिल्ली का, जहां पर एक जमीन सरकार से रावण वाड्रा की कंपनी को मिलती है और बाद में वह 3.5 एकड़ जमीन जो है किसी और को बेच दी जाती है और उस लेन देन में बड़ा खेल होता है। हालांकि उस समय के मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा था कि हमने नियम कायदे से सब काम किए हैं, लेकिन बाद में ये एक घोटाला बनकर सामने आया। इस घोटाले को लेकर रावण वाड्रा ने भी जवाब दिए हैं, लेकिन आमतौर पर रावण चुप रहते हैं और प्रियंका भी चुप रहती है। सोनिया और राहुल भी रावण को लेकर कभी कुछ नहीं कहते। लंबे समय से अपने पति के साथ पारिवारिक जीवन जी रही प्रियंका को लेकर ये जो मामला सामने आया है, इसकी गूंज भी पूरे देश में है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि क्या प्रियंका गांधी अपने पति की मुश्किलें जो बढ़ती जा रही है उनको कम करने के लिए राजनीति में आई है। क्या प्रियंका गांधी के आने से नरेंद्र मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय की जो जांच चल रही है उस जांच को प्रभावित करेगी, क्योंकि बड़े नेता अंदर पेटे सब मिले हुए रहते हैं। ये एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, एक दूसरे से कब कौन सा समझौता कर लेते हैं पता नहीं चलता। अकेले गठबंधन की सरकारों में खेल नहीं होता, विपक्ष और सत्ता के बीच भी खेल होता है। रावण वाड्रा की जो संपत्ति बड़ी है वो तो वाकई चौंकाने वाली बात है। डीएलएफ को जो जमीन बेची थी उसके कारण 350 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही थी। ऐसे कई करोड़ों के खेल थे जो रावण वाड्रा ने किए थे और उन सब खेल पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी निगाह टेढ़ी कर दी थी। अब सवाल इस बात का उठता है कि प्रियंका की सक्रियता के बाद रावण वाड्रा के खिलाफ जो जांच चल रही है वो और तेज होगी, या वो जांच की रिपोर्ट फाइलों में बंद रहकर रह जाएगी। क्योंकि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो रावण वाड्रा के लिए बहुत आसानी हो जाती है, और यदि सत्ता में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो हो सकता है कि उनकी मुश्किलें और बढ़ जाए। ये पूरा खेल क्या है और राजनेता वाकई कितने मिले हुए हैं, आम मतदाताओं को कितना मूर्ख बनाते हैं, अपने हितों के लिए किस स्तर पर कौन कौन से फैसले कर लेते हैं, अंधेरे में ही नहीं उजियाले में भी ये नेता मिलते रहते हैं, और कौन सी बात कब कर लेते हैं, कौन सा गठबंधन कैसे कर लेते हैं, ये सब आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए घमासान.com।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।